वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बाइनरी पैरेलल एडर के बारे में। ओके, देखिए, बाय द यूज ऑफ सिंगल फुल एडर की यूज से हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हम 2 1-bit नंबर को ऐड कर सकते हैं किसके साथ, इनपुट कैरी के साथ। ये परफॉर्म कर सकते हैं हम। 2 1-bit नंबर कौन कौन से हमने लिए थे, ए और बी लिए थे। मान लीजिए ए वन है और बी वन है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, 1-bit नंबर है और उसमें हमें ऐड करना है, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इन करना है, ठीक है। जहां पे ये दोनों क्या है, 1-bit नंबर है, तो हम किसका यूज करते थे, एक सिंगल फुल एडर का यूज करते थे सिंगल फुल एडर का। बट हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आई जब हमारा जो ए था, एक इनपुट, वो क्या था, मल्टीबिट, मींस 0101, और जो बी इनपुट था वो भी क्या था, मल्टीबिट 1010। अब भाई हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ये क्या है, ये तो मल्टीबिट्स हैं, मल्टीबिट्स हैं। इसके लिए तो हम, इसको ऐड करने के लिए अगर हम सिंगल फुल एडर का यूज करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऐड हो जाए। ओके, क्योंकि भाई सिंगल फुल एडर तो क्या करता है, सिर्फ 2 1-bit नंबर को प्लस इनपुट कैरी को ऐड करता है, यही करता है ना। बट यहां पे तो मल्टीबिट्स हैं, तो इसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए हमने बाइनरी पैरेलल एडर इंट्रोड्यूस किया। ओके, बाइनरी पैरेलल एडर। बाइनरी पैरेलल एडर क्या है एक्चुअली में, ये कुछ नहीं है, कनेक्शन ऑफ फुल एडर्स है। कैसा कनेक्शन, कैस्केड कनेक्शन। ओके, कैस्केड कनेक्शन है ये फुल एडर्स का, और कुछ नहीं है, कैस्केड कनेक्शन ऑफ फुल एडर्स। थ्योरी पढ़ लीजिए, बिल्कुल यही चीज लिखी हुई है। देखिए, बाय द यूज ऑफ सिंगल फुल एडर वी आर ओनली कैपेबल ऑफ एडिंग 2 1-bit नंबर्स एंड एन इनपुट कैरी। सो टू ऐड बाइनरी नंबर दैट कंसिस्ट मोर देन 1-bit, दिस टू आर द बाइनरी नंबर दैट कंटेन्स मोर देन 1-bit, वी हैव टू यूज पैरेलल एडर। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, द बाइनरी पैरेलल एडर कंसिस्ट ऑफ फुल एडर्स कनेक्टेड इन कैस्केड। ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, कैस्केड कनेक्शन में क्या रहता है, फुल एडर्स कनेक्टेड रहते हैं। विथ द आउटपुट कैरी फ्रॉम ईच एडर कनेक्टेड टू द इनपुट कैरी ऑफ द नेक्स्ट फुल एडर। इसका क्या मतलब समझा, जैसे फर्स्ट एडर है, फर्स्ट फुल एडर है, ठीक है, तो फर्स्ट फुल एडर का जो अपना ये रहेगा, क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरी, वो दूसरे वाले फुल एडर के लिए इनपुट कैरी जैसा वर्क करेगा। ओके, चलिए फिगर के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे देखिए, ब्लॉक डायग्राम है ये किसका, 4-bit पैरेलल एडर का, 4-bit पैरेलल एडर का, ठीक है। ये क्या है, ए नॉट इनपुट, बी नॉट इनपुट, ठीक है, कैरी इन सी नॉट है, और यहाँ पे सम जो है वो एस नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और जो कैरी आउटपुट यहाँ पे निकल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, हम सी वन लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरी आउटपुट जो निकलेगा उसको सी टू लिख रहे हैं, यहाँ पे जो निकलेगा इसको सी थ्री लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो निकलेगा उसको सी आउट लिख रहे हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे सम एस नॉट लिखा, यहाँ का सम एस वन लिख रहे हैं, यहाँ पे जो सम मिलेगा वो एस टू लिख रहे हैं, यहाँ पे जो सम मिलेगा वो एस थ्री लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ का इनपुट ए वन बी वन, यहाँ का इनपुट ए टू बी टू, यहां का इनपुट ए थ्री एंड बी थ्री। ओके, तो क्या कह रहा था कॉन्सेप्ट, जो ये फर्स्ट फुल एडर है, ये फर्स्ट फुल एडर है, ओके, ये सेकंड फुल एडर है, ये थर्ड फुल एडर है, और ये फोर्थ फुल एडर है, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट फुल एडर है उसका जो कैरी आउटपुट निकला, ये कैरी आउटपुट है फर्स्ट फुल एडर का, वो एज अ कैरी इनपुट वर्क करेगा सेकेंड फुल एडर के लिए। ओके, और जो सेकेंड फुल एडर का अपना जो कैरी आउटपुट निकल रहा है वो थर्ड फुल एडर के लिए एज अ कैरी इनपुट वर्क करेगा। ओके, सिमिलरली थर्ड फुल एडर का जो कैरी आउटपुट निकल रहा है वो एज अ कैरी इनपुट वर्क करेगा फोर्थ फुल एडर के लिए, और ये फाइनल कैरी निकल जाएगी, ठीक है। ये अपना क्या है, ब्लॉक डायग्राम है 4-bit पैरेलल एडर का। अब देखिए, मान लीजिए दो नंबर है,
ए मल्टीबिट्स हैं 0101, ठीक है। बी एक नंबर है, क्या है 1010, इन दोनों को ऐड करना है हमें सिंपली, ठीक है। तो देखिए इस बिट का नाम क्या दे दीजिए, ए नॉट, ये क्या है बी नॉट, ठीक है। ये क्या है ए वन, ये क्या है ए टू, और ये क्या है ए थ्री, ओके। ये बी नॉट है तो ये क्या हो गया बी वन, ये क्या हो गया सॉरी ये क्या हो गया बी टू, ओके, ये क्या हो गया बी थ्री, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी करना है। तो चलिए नोट डाउन करते चलते हैं, ए नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है वन, बी नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है जीरो, ओके, और सी जीरो तो अभी जीरो ही आ रहा है, तो वन प्लस जीरो हुआ, वन प्लस जीरो एड हुआ और सी नॉट क्या है जीरो, तो ये क्या आ गया अपना वन आया, मतलब सम क्या है वन आया और कैरी क्या है जीरो आ गई। अब सेकंड फुल एडर के पास सी वन जीरो है, मतलब कैरी इन जीरो है, ए वन की वैल्यू क्या दी हुई है जीरो और बी वन की वैल्यू क्या दी हुई है वन, तो यहाँ पे एडिशन क्या होगा जीरो प्लस वन प्लस सी इन जो सी वन है इसके लिए जीरो, तो यहाँ पे भी सम आएगा वन, तो सम क्या आ गया वन और सी टू क्या निकला जीरो। अब थर्ड फुल एडर की बात करें, थर्ड फुल एडर में सी इन कितना जा रहा है, कैरी इन क्या है इक्वल टू सी टू इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहाँ पे ए टू की वैल्यू क्या दी हुई है देखिए वन और बी टू की वैल्यू क्या दी हुई है जीरो, ओके। और इस एडर के लिए अपना सी इन क्या है, इस एडर के लिए अपना सी इन इक्वल टू सी टू इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इस फुल एडर के लिए। तो क्या हो गया यहाँ पे ऑपरेशन वन प्लस जीरो प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे भी सम क्या आ गया अपना वन आ गया। अब लास्ट वाला फुल एडर है, यहाँ पे कैरी क्या निकल रहा है जीरो, लास्ट वाले फुल एडर के लिए भी अपना सी इन बराबर क्या हो गया सी थ्री इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। ए थ्री की वैल्यू क्या है जीरो और बी थ्री की वैल्यू क्या है वन, अब यहाँ पे कौन सा एडिशन परफॉर्म होगा देखिए जीरो प्लस वन प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है एस थ्री की वैल्यू भी आ रही है वन और ये जो कैरी आउटपुट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है जीरो, तो अपना फाइनल आउटपुट क्या निकल जा रहा है नोट कर लीजिए देखिए वन 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 वन। सो हम इसको ऐड करेंगे ए प्लस बी को तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा वन 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 वन। आई होप ये ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं अपना डाउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग वीडियोज ऑफ डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम।